हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदी किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट हलवाई जैसे बेसन के लड्डू की रेसिपी। बेसन के लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे, और वो जो दानेदार होता है वो कैसे होता है, बहुत टाइम हमको लगता है ना कि वो दानेदार आता है, तो वो सारा टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और हमेशा इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करोगे तो दानेदार हलवाई जैसे बेसन के लड्डू घर पे बना सकते हो। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए वो है चने की दाल बंगाल ग्राम, तो उसके साथ हमने लिया है चीनी, ड्राई फ्रूट, घी। तो पहले मैंने एक कप चने की दाल को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो ये ड्राई रोस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस टाइम हम लोग फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखेंगे और हमेशा चलाते रहेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम में बस 10 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। ध्यान रखें, बस कलर चेंज जैसे ही होने लगेगा दाल की, तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे। अब इस पाउडर को हम छन्नी से छान लेंगे ताकि अगर कोई दरदरा रह गया जो अच्छे से पीसा नहीं है दाल, वो आ जाए छन्नी में, उसको हम फिर से और एक बार छान लेंगे। देख सकते हो हमको एकदम फाइन बहुत ही अच्छा पाउडर मिल गया चने की दाल की, ठीक है। अब हमें इसी में बेसन के लड्डू बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा। अगर हम बाजार से बेसन लगे बनाते हैं लड्डू तो उतना वो हलवाई जैसा टेस्ट नहीं आता है। देखिए, ये जो हमारा रह गया चने की दाल जो अच्छे से पीसा नहीं, उसको और एक बार हम पीस लेंगे। अब हम बनाएंगे तेगर या भूरा, तो जो वो दानेदार खाने के लिए हमेशा बेसन के लड्डू ऐसे भूरा या तेगर से बनाए। तो डायरेक्ट चीनी यूज़ ना करें, चीनी को एक बार मेल्ट करें फिर उसको ड्राई करें। तो जो जैसा चीनी वो बन के आएगा, जो सब्सटेंस बन के आएगा, उसी को तागर या भूरा बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो एक कप चीनी में मैंने हाफ कप पानी मिलाया और मीडियम फ्लेम में हम मैं कंटिन्यूसली चलाते जा रही हूँ। तो ये बॉयल होते होते मीडियम टू लो फ्लेम में इसको करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं, तो फिर वो बन जाएगा कैरेमल, हमको कैरेमल नहीं चाहिए। तो मीडियम टू लो फ्लेम में ऐसे कंटिन्यूसली आप चलाते जाओगे तो चीनी जो है वो गाढ़ा होकर धीरे धीरे, देखिए अभी ड्राई होने लगा है, अभी ड्राई होने लगा है। तो अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, बस मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसको मैं कंटिन्यूसली चला रही हूँ। तो देखिए चीनी फिर से ड्राई हो गया। अब इसको भी मैं छन्नी से छान लूँगी ताकि इसका पाउडर निकल आए, और जो पाउडर नहीं बना उसको मैं एक बार मिक्सर में पीस लूँगी, और फिर सारा चीनी हमको पाउडर फॉर्म में मिल गया। अब इसी चीनी को हम मिलाएंगे उस लड्डू में। तो ये था पहला टिप, तो कैसे आप बना सकते हो वो दानेदार बेसन की लड्डू। अब देखिए एकदम फ्री फ्लोइंग टागर या भूरा हमको मिल गया। अब मैं कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ एक कप देसी घी। देसी घी मैं इसलिए ले रही हूँ तो तभी परफेक्ट टेस्ट आता है, और उसमें मैं मिला रही हूँ एक कप बेसन। अब इसको कंटिन्यूसली चलाते रहिए एकदम लो फ्लेम में, भूल के भी इसका फ्लेम हाई या मीडियम नहीं करना है। अगर थोड़े सी भी ये जलने लगा, मतलब बेसन में थोड़ा सा भी ब्राउन कलर आ गया, तो ये सुंदर जो येलो कलर का लड्डू का कलर आता है वो नहीं आएगा, एकदम ब्राउन हो जाएगा चेंज होके। तो लो फ्लेम में हम इसको कम से कम 10 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे। पहले हमने जो चना के दाल था वो मैंने पहले रोस्ट कर लिया था, तो इसीलिए इसका जो वो कच्चा जो स्मेल आता है वो नहीं आएगा। भी दाल को समेटने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बस थोड़ा सा पानी लेके ऐसे छिड़क देंगे इन दाल के ऊपर, तो ये क्या होगा ना, समेट के एक जगह आ जाएगा। और इसके बाद हम बस 2 से 3 मिनट और इसको चलाएंगे ऐसे। सकते इसमें मैं थोड़ा सा और 1-2 टेबलस्पून घी मिला रही हूँ। देखो घी इसमें जितना आप ज़्यादा मिलाओगे ना लड्डू उतना टेस्टी होता है। आप घी की जगह आप वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन टेस्ट बिल्कुल ही अच्छा नहीं आएगा। बेसन के लड्डू या किसी भी तरह के लड्डू बना रहे हो तो कोशिश करना हमेशा घी में बनाने की। अब देखिए और 5 मिनट मैं इसको चलाया तो अभी बिल्कुल रेडी है 15 मिनट बाद। अब मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया, इसमें थोड़ा ठंडा कर लूँगी, और इसके बाद हल्का सा जब ठंडा हो जाए तो मैं टागर या जो भूरा था उसको मैंने मिला दिया था। मिला दिया इलायची पाउडर 1 टीस्पून और ड्राई फ्रूट्स, जो रोस्ट ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद कुछ भी डालो, और थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब मैं इसी में जल्दी जल्दी, ये अभी भी गर्म है तो मैं अभी इसमें ये लड्डू पकाती रहूँगी, क्योंकि आप ज़्यादा ठंडा करोगे तो लड्डू पकेगा नहीं। तो हम बस 1 मिनट इसीलिए वेट किया, उसी टाइम अगर हम चीनी को डाल देते ना ये पिघल जाता चीनी। तो ऐसे सारे लड्डू रेडी है, रेडी टू सर्व। अब देख सकते ना कितना अच्छा बाइंडिंग आया है, क्योंकि हम गरम गरम अवस्था में ही उस लड्डू को बना लिया था।
तो और सारा देखो कितने अच्छे से इसका टेक्सचर भी आपको देख के समझ आ रही है कि वो जैसे हलवाई जैसे वो दानेदार टेक्सचर आया है। मैं आप लोगों को और क्लोज एक लुक दे रही हूँ, आप ज़रूर घर पे बनाइए लड्डू और मुझे कमेंट करके बताएगा कैसा बना था। तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से कि ये कितना अच्छा दानेदार और कितना डेंस बना है, देखिए और कितना टाइट बना है, देख सकते हो आप। देखो ये देखो टूट नहीं रहा है क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा घी यूज़ किया था लड्डू बनाने के लिए। अगर रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।